इक्विटी एट 80 मतलब 60 के बाद 80 साल की उम्र तक या उसके भी आगे क्या आप इक्विटी में निवेश करें तो सही है आपके लिए, या फिर आपको डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स इनकम में ही निवेश करना चाहिए, उसके कारणों की पड़ताल हम कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल चोपड़ा है बजाज कैपिटल से, और अब तक हम यही समझ पाए हैं कि खाली डेट में निवेश करने से ज्यादा बात नहीं बनेगी, क्योंकि महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, आपको इक्विटी एक्सपोजर लेके कुछ अच्छा खासा रिटर्न भी कमाना जरूरी है, और उसी के तरीके पर चर्चा हम कर रहे हैं। अनिल जी, अब ये समझना जरूरी है, थोड़ा एस्पेक्ट थोड़ा अपने सेहत का भी ले लेते हैं, क्योंकि मालूम है जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाती है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हमें जकड़ते चले जाते हैं, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए 60 के बाद कई लोगों के सवाल ये होते हैं कि मानिए जो 60 पार कर लिया तो क्या एक नया हेल्थ प्लान लेना चाहिए, नया हेल्थ प्लान ले तो कितना हेल्थ प्लान लेना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रीमियम भी बढ़ता है, जितनी जितनी उम्र आपकी बढ़ती जाती है हेल्थ इंश्योरेंस लेने में आपको दिक्कतें पेश आ सकती हैं, और क्या वाकई इंश्योरेंस कंपनियां सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ प्लान देती हैं? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो वन ऑफ द फाइव मस्ट हैव स्किल्स है। हमने शायद पहले भी प्रोग्राम में बताया हुआ है कि पांच ऐसी चीजें हैं वो अगर आपके लाइफ में से एक भी मिसिंग है तो आर्थिक निर्माण है, पांच में से एक है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की खूबी यह है कि जितनी जल्दी आप लाइफ में लेते हैं वो जितना लंबे पीरियड के लिए लेते हैं उतना ही आपका प्रीमियम कम रहता है, उतनी ही आपकी जीवन में बाद में सुख रहता है। लेकिन हमने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कोताही बरत जाते हैं, जो मिस कर जाते हैं कि जब वो 40-45 के होते हैं तब वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं लेते हैं, और जब वो रिटायरमेंट के नजदीक आ जाते हैं तब उनको लगता है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। इसमें भी हमने ये देखा है कि 20-30% लोग तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या पीएससी एम्प्लॉइज हैं, उनको होता है कि भी सीजीएचएस से कवर है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन का हमारा हिस्सा है, इनको किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, और अगर उन्होंने प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अपने सिर के ऊपर अम्ब्रेला नहीं रखा हुआ है, अगर बीमारी आ घेरती है चाहे कोरोना चाहे कोई और, तो उनकी जिंदगी भर की कमाई जो है उसका काफी बड़ा हिस्सा उड़ जाता है और फिर वो बहुत ही परेशान होते हैं। ऐसे हमने कई हजार केस देखे हैं। तो यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि आप पहले तो वेट ना करें रिटायरमेंट की, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप 35-40 के हैं तब भी जब आप ले रहे हैं तो उसकी पीरियड रखिए 80 साल तक कम से कम। ऐसे प्लान हैं जिसमें प्रीमियम आपका बहुत कम रहेगा और कवरेज आपकी हाई रहेगी। अब रह जाती है बात उन लोगों की तो 60 तक पहुंच गए हैं और उन्होंने पहले हमारा प्रोग्राम नहीं देखा या ऐसी पॉलिसी नहीं ली हुई, तो अब भी देर नहीं हुई है। अब भी अगर आप 60-61 के हैं, रिटायर हो गए हैं और आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे प्लान हैं कंपनीज ने दिए हुए हैं जो कि सीनियर सिटीजन फ्रेंडली है, और उसमें से आपको चुन के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लान लेने चाहिए। सबसे नंबर वन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने अमाउंट का पॉलिसी होनी चाहिए, तो उसका कोई ऐसे सीधा उत्तर तो नहीं है, लेकिन हमने ये रिसर्च करके पाया कि कम से कम आपके पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिनिमम जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कोरोना के टाइम में कई लोगों के बिल 7-8 लाख के बन गए, तो एक नया एक बेंचमार्क बन गया है, एक नया सिस्टम अराइज हो गया है कि कम से कम 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए फैमिली फ्लोटर प्लान, यानी कि जिसमें आपके फैमिली के सारे मेंबर्स कवर्ड हों। अगर ज्यादा कर सकते हैं आप तो 25 लाख तक अगर कर लेते हैं और प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं, फिर तो आप जो है मानसिक रूप से निश्चिंत रहेंगे अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए की पॉलिसी लीजिए। और किस तरीके की पॉलिसीज उपलब्ध है, मैं आपको 2-3 नाम यहाँ पे गिनाए देता हूँ। दो तरह की पॉलिसीज हैं, एक तो है जिसमें थोड़ा प्रीमियम कम है। अब डेफिनेटली लोगों को ऐसी पॉलिसी पसंद आती है जिसमें प्रीमियम कम होता है, लेकिन जिसमें प्रीमियम कम होता है उसके बेनिफिट्स भी कम होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो दो तरह की पॉलिसी है, जो कम प्रीमियम वाली पॉलिसीज है उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें ये है कि उसमें डिसीज वाइज कैप होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, उसका प्रीमियम अगर 30,000 रुपए है या 35,000 रुपए है, तो उसमें हो सकता है कि कैंसर की लिमिट हो 3 लाख रुपए की, हार्ट डिसीज की लिमिट 4 लाख रुपए की, यानी अगर कैंसर हो गया और खर्चा 5 लाख का हो गया तो आपको सिर्फ 3 लाख रुपए ही मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिक डिसीज की लिमिट है। लेकिन अगर आप दूसरी पॉलिसी लेते हैं जिसमें वो भी 10 लाख की है लेकिन थोड़ा प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक डिसीज की कोई लिमिट नहीं है, एक भी डिसीज कोई होगी उससे अगर खर्चा 8-9 लाख का हो गया तो पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा आपको, तो ऐसी पॉलिसीज भी हैं। तो आप ध्यान से अपनी सेहत को देखते हुए, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए, प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को देखते हुए, अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए कि आपकी फैमिली में क्या किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी या किसी को कभी कैंसर हुआ था, क्या कैंसर होने की आशंका है, इन सब चीजों को देखते हुए ही आप एक अच्छी सी पॉलिसी चुने,
और यहाँ पे हम दो पॉलिसियां आपको बताना चाहेंगे कम प्रीमियम वाली। एक तो देखिए, आपने नाम सुना होगा कंपनी का मैक्स बुपा, अब उसका नाम बदल के निवा बुपा हो गया, अभी थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है। तो निवा बुपा का सीनियर फर्स्ट प्लान है, नाम से ही आप समझ में होंगे कि ये सीनियर सिटीजन के लिए है, सीनियर फर्स्ट प्लान, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और ऐसी एक और कंपनी है केयर, कंपनी का नाम है केयर, उनका प्लान है केयर सीनियर या केयर फ्रीडम प्लान। तो ये दो प्लान देखिए जिसमें कम प्रीमियम है और ज्यादा कवरेज है। और अगर आप ज्यादा प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो निवा बुपा की एक प्लान है, उसका नाम है हेल्थ कंपेनियन, हेल्थ कंपेनियन। और आदित्य बिरला एक जो हेल्थ कंपनी है उसका प्लान है प्लेटिनम। तो ये चार प्लान हमने आपको बताए जो कि सीनियर सिटीजन्स को स्टडी करके, अपने फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके, अपनी पॉकेट के हिसाब से कम 10 लाख रुपए की पॉलिसी तो जरूर आपको सिक्योर कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, तो हमने एक पूरा एक अच्छे तरीके से एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पूरा कह सकते हैं चार्ट तैयार कर लिया सीनियर सिटीजन के लिए, स्पेशली 60 के बाद 80 या 100 साल तक की उम्र तक के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना है उस पर चर्चा करने के लिए। अनिल जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस। We'll be right back.